हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपॉन अपॉन रेज टू टू इक्वल्स फॉर सम कांस्टेंट से तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा हम जानते हैं एक्स रेज टू पॉर एन का जो इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है एक्स रेज टू पॉर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस में सी जहां पे एन कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है माइनस वन के अलावा ठीक है तो अब देखो हमारे इंटीग्रल को एक बार के लिए हम i बोल देते हैं तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से कितना है प्लस में और इसकी पावर कितनी है नाइन अपॉन में टू और यहां पे dx चल रहा है ठीक है तो अब देखो हम क्या करेंगे एक सब्सटीट्यूशन कर लेते हैं लेट कर लेंगे सेक एक्स प्लस में टेन एक्स इसको हम एक बार के लिए बोल देते हैं t तो इसको t बोल दिया अब यहां से एक चीज हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं देखो वन प्लस में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना तो टेन स्क्वायर एक्स को अगर उस तरफ लेके जाए तो सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर डैट डैट विल बी इक्वल टू वन अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा ली तो ए माइनस बी यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स और ए प्लस बी यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स ये हो जाएगा डैट विल बी इक्वल टू वन यानी कि अब सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू उठा के रख दो जो कि टी है सेक एक्स माइनस टेन एक्स का वैल्यू यहां से क्या जाएगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स विल बी इक्वल टू वन अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स जिसका वैल्यू है टी ठीक है तो इसको तो एक काम कर लिया हमने इक्वेशन वन बोल लिया और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर टू अब हम क्या करेंगे इक्वेशन वन प्लस में इक्वेशन टू कर लेते हैं जिससे कि देखो टेन एक्स और माइनस टेन एक्स तो जीरो हो गया और सेक एक्स प्लस सेक एक्स यानी कि टू सेक एक्स हो गया दिस विल बी इक्वल टू कितना जाएगा टी प्लस में वन अपॉन टी ये वैल्यू आ गया यानी कि इधर से अगर sec x का वैल्यू निकाला जाए तो वो आ जाएगा देखो कितना t स्क्वायर प्लस में वन अपॉन में टू टी वैल्यू बन गया है ठीक है अब हम क्या करते हैं इक्वेशन वन को डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी तो डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट इक्वेशन वन इक्वेशन वन बोथ साइड्स बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स की रिस्पेक्ट में करेंगे ठीक है T के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो सेक एक्स का डिफरेंसिएशन क्या हो जाएगा तो अब देखो यहां से क्या करते हैं सेक एक्स को अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या बच जाएगा टेनएक्स प्लस में सेक एक्स और डीएक्स को इस तरफ ले आते हैं डिसक्स मल्टीप्लाई तो में यहां पे एक चीज देखो सेक एक्स का वैल्यू हमें पता है टी स्क्वायर प्लस वन अपन में टू टी ये वैल्यू उठा करके रख देते हैं ठीक है तो एक चीज नोट करो यहां पे देखो हमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स रेस टू पॉइंट नाइन अपॉइन टू इस टाइप का वैल्यू चाहिए ठीक है तो हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू है वो किस तरीके से बन जाएगा अब देखो ध्यान से सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू टी है ये हमें पता है तो ये उठा के रख देंगे और सेक एक्स का वैल्यू भी उठा के रख देंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू टी है तो सेक एक्स का वैल्यू हो गया और टेन एक्स प्लस सेक एक्स का वैल्यू है टी डी एक्स डिस विल बी इक्वल टू डी टी तो यहाँ से टी से टी वन टाइम डिवाइड हो गया इसका मतलब है डी एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा टू डी टी उस तरफ चला जाएगा टू तो टू डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन ये उठा के रख देंगे तो आई का वैल्यू देखो क्या आ गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन देखो पहले तो आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स ठीक है तो सेक एक्स का वैल्यू अगर हमें पता है तो सेक स्क्वायर एक्स भी निकाल ही सकते हैं यहां से टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू टी का होल स्क्वायर तो टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में टू टी का होल स्क्वायर ये तो आ गया किसका सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू फिर डी एक्स का वैल्यू रख देंगे मल्टीप्लाई में टू डी टी अपॉन में टी स्क्वायर प्लस वन ये बात समझ में आ गई और होल अपॉन में है सेक एक्स प्लस टेन एक्स की पावर नाइन अपॉन टू यानी अपॉन में हो जाएगा टी की पावर नाइन अपॉन में टू ये आ गया तो यहां पे देखो इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं वन अपॉन टी की पावर नाइन अपॉन टू इस टाइप का टर्म बन रहा है ठीक है अपॉन अपॉन की पावर नाइन टू। तो यहां पे देखो एक पावर तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गई ना फिर देखो ये क्या बन जाएगा फर्दर यानी बेसिकली हो रहा क्या है ये क्या था टू का होल स्क्वायर था नीचे तो और ऊपर था टी स्क् वन का होल स्क्वायर तो एक पावर से ये डिवाइड हो गया जिसका मतलब ये वैल्यू कितना बन गया इंटीग्रेशन टू टाइम्स ऑफ टी स्क्र प्लस वन ठीक है और डी टी इधर अपॉन में कितना आ जाएगा टी रेस टू पावर नाइन अपॉइन टू और यहां पे टू टी का स्क्वायर यानी कि फोर टी स्क् टाइप टर्म बनेगा फोर जो है वो टू से डिवाइड हो जाएगा टू टाइम्स यानी कि वन अपॉइंट टू हम बाहर ले लेंगे वन बाय टू बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा अब टी स्क्वायर प्लस वन डी टी अपन में अपॉन में देखो टी रेस टू पावर नाइन अपॉइन टू और टी स्क्वायर है ठीक है तो ये जो टर्म है ये हमारे पास कितना बन जाएगा हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो t रेस टू पावर नाइन बाई टू मल्टीप्लाई में t स्क्वायर है ना बेसिज सेम है पॉवर ऐड हो जाएंगी तो नाइन बाई टू प्लस में टू करेंगे ये कितना बन जाएगा थर्टीन अपॉन में टू यानी t की पावर हो जाएगी इधर थर्टीन अपॉन में टू ये समझ में आ गया यानी i का वैल्यू देखो फाइनली कितना हो जाएगा अब टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं तो वन अपॉन टू तो बाहर है और अंदर देखो इंटीग्रेशन ऑफ पहले तो कितना हो गया टी स्क्र अपॉइंट में टी रेस टू पावर थर्टीन अपॉन टू तो बेसिकली टू माइनस थर्टीन अपॉइंट टू करेंगे ना तो यहां पे कितना आ जाएगा फोर माइनस थर्टीन यानी माइनस का नाइन तो टी रेस टू पावर माइनस नाइन अपॉइंट टू टी रेस टू पावर माइनस नाइन अपॉइंट टू डी टी हो गया ठीक है और प्लस में कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन प्लस में इंटीग्रेशन और इधर आ जाएगा टी रेस टू पावर अपॉन तो तो में, तो में आ जाएगा कितना अपॉन में सेम टर्म आएगा माइनस सेवन अपॉइंट टू तो माइनस सेवन तो इधर आ गया और टू इधर आ गया ये मान लेते हैं तो इसको माइनस टू अपॉन सेवन टाइम्स ऑफ ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू अपॉइंट सेवन टाइम्स ऑफ टी रेस टू पावर माइनस सेवन अपॉइंट टू इसी तरीके से देखो यहाँ पे प्लस आएगा टी रेस टू पावर यहाँ पे जब वन ऐड करेंगे ना पावर में माइनस इलेवन अपॉइंट टू आएगा और अपॉन में भी माइनस इलेवन अपॉइंट टू आएगा तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं यहाँ पे इलेवन आ जाएगा और यहाँ पे टू आ जाएगा ये वैल्यू बन रहा है यानी कि अब वन अपॉइंट टू को अंदर ले जाते हैं ठीक है तो ऐसा करने पर देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास में माइनस वन अपॉइंट सेवन टी रेस टू पावर माइनस सेवन टू और माइनस वन अपॉइंट इलेवन टी रेस टू पावर माइनस इलेवन टू ये टर्म बन गया अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालना चाहें उससे पहले देखो इसको ऐसे लिख लिया वन अपॉन सेवन माइनस का और इसको मल्टीप्लाई में वन अपॉन टी रेस टू पावर सेवन अपॉन टू माइनस में इसी तरह वन अपॉन इलेवन और मल्टीप्लाई में वन अपॉन टी रेस टू पावर इलेवन अपॉन टू ठीक है अब हम क्या करते हैं देखो अंदर से अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखो वन अपॉन में टी रेस टू पावर इलेवन अपॉन टू को कॉमन कर लेते हैं तो अंदर देखो क्या बन जाएगा माइनस वन अपॉइंट सेवन और ये टर्म जो है ये हमारा क्या आएगा अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो टी रेस्टू पॉवर इलेवन अपॉइंट टू और होल अपॉन में टी रेस्टू पॉ सेन अपॉइंट टू ये बन जाएगा हमारे पास में टी रेस टू पावर फोर अपॉइंट टू यानी कि टी स्क्वायर ऊपर आ गया माइनस में आ जाएगा वन अपॉन में इलेवन इस टाइप का टर्म बनेगा ठीक बात है अब देखो फर्दर हम क्या बोल सकते हैं जो टर्म है हमारे पास में किस तरीके से आ जाएगा वन अपॉन टी का वैल्यू रख लेते हैं टी का वैल्यू हमने क्या बोला था देखो ध्यान से टी हमने बोला था सेक एक्स प्लस में टेन एक्स और एक काम करते हैं हम माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं ठीक है तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया सेक एक्स प्लस में टेन एक्स उसकी पावर हो जाएगी इलेवन अपॉन में टू और इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या चल रहा है ये कंप्लीट टर्म इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है एक तो कितना आ जाएगा देखो वन अपॉन इलेवन पॉजिटिव आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा कौन सा टर्म वन अपॉन सेवन टी यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऑल स्क्वायर और यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट भी आ रहा होगा इंटीग्रेशन करने पे के कांस्टेंट सेम इसी तरह यहाँ पे भी के यहाँ पे भी के लिख लिया और एंड में भी हम यहाँ पे चलो प्लस में देखो इस तरीके से के लिख लिया डैट इज इक्वल टू अब चल रहा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स ठीक है उसका स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में के आ जाएगा तो अगर हम आंसर मैच करना चाहें तो बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है इधर से I hope you understood this explanation. Best of luck.